हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रहमत। वेलकम टू आवर चैनल। और आप देख रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टीवी। आज मैं इस वीडियो में 365 डेज डिमांड रहने वाला एक प्रॉफिटेबल स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट लेडीज फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक सिर्फ घर के काम ही नहीं बल्कि जॉब करके फैमिली को चलाना भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम समझ रही है। ऐसा सोच रखने वाले लेडीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। प्रेजेंट मार्केट में ऐसे कई डिमांडेबल इंडस्ट्रीज है जिसे लेडीज ग्रुप वाइज स्टार्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। आज का इस वीडियो में हम ऐसे ही एक बिजनेस एरिया के बारे में जानेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है जूट बैग मेकिंग इंडस्ट्री। टॉपिक में जाने से पहले, अब तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करके आखिरी तक देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक में चलते हैं। आपको ये बात मालूम ही होंगी, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक कवर्स को बैन किया है। इसी के कारण प्रेजेंट मार्केट में फैब्रिक जूट बैग्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। ये जूट बैग्स नेचर को पोल्यूट नहीं करते हैं, इसी कारण पब्लिक इन जूट बैग्स को यूज करने में ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखा रही है। सो आप भी इन जूट बैग मेकिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बिजनेस आइडियाज के लिए ग्रुप वाइज स्टार्ट करने के लिए और होममेड भी कंफर्टेबल है। ये जूट बैग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी और ट्रेनिंग लेके शुरू किए जाए तो जूट बैग्स रेडी करना और भी इजी होगा। और इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के किसी एक बैंक से टाइप होकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को RSETI में जूट तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। आप वहां पर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और उनसे बैंक लोन भी ले सकते हैं। अब हम जूट से तैयार किए जाने वाले चीजें क्या है अब देखेंगे। जूट से आप हैंडबैग्स, सूटकेस, शॉपिंग बैग्स, फोल्डर्स, प्रोफेशनल बैग्स, विंडोज कर्टेन्स जैसे चीजें आप रेडी कर सकते हैं। और इसी तरह अब हम इस इंडस्ट्री के यूज होने वाले रॉ मटेरियल के बारे में मालूम करेंगे। जूट फैब्रिक, डाई स्टफ, पीवीसी बकेल्स, बैम्बो स्टिक्स, स्विंग थ्रेड जैसे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह अब इस इंडस्ट्री को होने वाले मिस्टरीज के बारे में मालूम करेंगे। हैवी ड्यूटी स्विंग मशीन, मैनुअल स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन और वुड टेबल्स, सीजर जैसे चीजों की जरूरत पड़ेगी। हैवी ड्यूटी स्विंग मशीन की कास्ट आके आपको 25,000 रुपीज में अवेलेबल है। ये मशीन आपको अपने गाँव में या अगर नहीं मिली तो IndiaMART.com जैसे वेबसाइटों में भी मिल जाएगी। और इस बिजनेस के मशीनरी और टूल्स खरीदने के लिए आपको 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट होगी। इस इंडस्ट्री में यूज होने वाले मशीन्स एंड रॉ मटेरियल आपको www.IndiaMART.com पर अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, अब हम इस जूट बैग्स मेकिंग प्रोसेस के बारे में मालूम करेंगे। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 500 SFT प्लेस की जरूरत पड़ेगी। अब हम इस इंडस्ट्री में होने वाले खर्चे और इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट के बारे में मालूम करेंगे। सबसे पहले आप जूट फैब्रिक रोल्स को खरीदना होगा। एक फैब्रिक रोल से 9x15 साइज वाले 400 जूट बैग्स को तैयार कर सकते हैं। एक मीटर जूट बैग फैब्रिक रोल की कीमत आके आपको 30 रुपीज होगी। एक दिन में अगर आप 120 बैग्स रेडी कर सके तो, और उसी तरह 120x30 डेज यानी 3600 बैग्स को रेडी कर सकते हैं। आप एक बैग मैन्युफैक्चरिंग के लिए 16 रुपीज का खर्चा होगा। मार्केट में एक बैग का प्राइस आके आपको 26 रुपीज तक है, यानी एक बैग पर आप 10 रुपीज प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका मतलब आप 3600 बैग्स बनाकर सेल करें तो
वन मंथ में 36,000 रुपीस कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बताए गए खर्चे, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, ये सब एक अंदाजे पे बताया गया है। आप इसकी पूरे इंक्वायरी करके इस बिजनेस को स्टार्ट करें। और इसी तरह आपके बिजनेस करने के स्टाइल और मटेरियल की क्वालिटी के हिसाब से बिजनेस सक्सेस होगा। हम इस बिजनेस के मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। आप जाके क्लॉथ स्टोर्स, सुपरमार्केट जैसे वालों के पास जाकर अपना ऑर्डर लेके सेल कर सकते हैं। और इसी तरह जूट से तैयार किए गए दूसरे प्रोडक्ट्स को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पर रजिस्टर होकर सेल कर सकते हैं। बस इतना ही है दोस्तों जूट बैग मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जाके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए। इसी तरह एक नई और बिजनेस आइडिया के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू, कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़।